Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhukare, now welcoming on your own YouTube channel Ikeda. If you are watching my video for first time, please don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get my updates very soon in your email or I can see in your inbox. Today we are going to start with one important concept of CA Inter, dissolution of firm when some partners are insolvent. Now when I am saying when some partners are insolvent, means all are not insolvent. Maybe kuch insolvent hai aur kuch solvent partner hai. Solvent partner means what? Those who are capable to bring any amount which is needed in the firm. And insolvent is a partner having a debit balance who is incapable to bring his amount to the firm. Now before we proceed further, अभी आप सोचो आपका अगर कोई partner insolvent है, बराबर है, अगर वो insolvent है तो he should bring the money. अगर वो पैसा नहीं लाएगा तो ये loss अभी कौन bear करेगा? Simple है, अपने बाकी के partner bear करेंगे. कौन loss ये bear करेगा? बाकी के partners bear करना पड़ेगा, नहीं करेंगे bear करना पड़ेगा, क्योंकि partnership में partners का liability joint होता है. किसी एक partner का अगर कोई problem हुआ तो बाकी के पार्टनर्स को उसका लॉस बेयर करके चलना पड़ेगा. तो अब ये इंसॉल्वेंसी लॉस कैसे डिस्कस करना है, रादर कैसे उसको एडजस्ट करना है, वो हम लोग आज के ये पर्टिकुलर पार्ट में सीखेंगे. नाउ बिफोर आई प्रोसीड विद द करंट सिनेरियो ऑफ द इंडिया, आई एम जस्ट टेकिंग यू बैक टू लॉन्ग बैक. There was an English case. There was a case in the Great Britain. वहाँ पे partnership firm था, जहाँ पे तीन partner थे. तीन partner का नाम था. पहले वाले partner का नाम था Garner, दूसरा था Murray और तीसरा था Wilkin. तीन partners थे. ये तीनों का dissolution हो रहा था और dissolution करते समय ये हुआ कि जो Wilkin जो है, he became insolvent. मतलब there is a loss. And that Wilkin is unable to bring debit balance of his account. बराबर है? तो उसके account में जो भी balance है, वो कैसे share करेंगे Garner और Murray? ये important है अपने लिए. अभी यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होता है, partners का PSR 3:2:1 है. बराबर है? मान के चलो आपका third partner insolvent हो गया, तो पहले दो partner का ratio क्या रह जाएगा? 3:2. बराबर है? अभी इमेजिन करो, पहले वाले पार्टनर का कैपिटल 2 लाख है और दूसरे वाले पार्टनर का कैपिटल 3 लाख है. तो कहने से कैपिटल इज रिवर्स, मतलब कैपिटल उनका पीएसआर में नहीं है, कैपिटल उनका पीएसआर में नहीं है. तो क्या हो रहा है, जिसका कैपिटल कम है उसको ज्यादा डेफिशिएंसी बेयर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्राइटेरिया. बराबर है? तो ऐसे ही कुछ उनके डिसीजन उनके केस में हुआ है. इन केस ऑफ Garner एंड Murray, वहां पे एक पार्टनर का कैपिटल रेशियो ज्यादा था लेकिन कैपिटल कम था, प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा था लेकिन कैपिटल कम था, दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग कम था लेकिन कैपिटल ज्यादा था. तो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स एंड केस वेंट टू द कोर्ट. कोर्ट में चले गए और बोल रहे कि बाबा हम लोग ऐसे नहीं शेयर करेंगे, हमारा ज्यादा लॉस हो रहा है. तो कोर्ट हैव लिसन टू ऑल दिस डिस्कशन एंड कोर्ट में जस्टिस थे जॉयसी. तो ये जो जॉयसी करके जो जस्टिस थे, उन्होंने ये पूरा केस रीड किया और फिर उन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया. देखो, कोर्ट कोई कॉमन बैकग्राउंड का नहीं होता है, उनका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है. इफ यू सेटिस्फाई देम, दे विल गिव वर्डिक्ट इन योर फेवर. ठीक है? तो कोर्ट ने क्या बोला, देखो भाई साहब, आपका रियलाइजेशन का जो लॉस है, दैट इज अ नॉर्मल लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, दैट यू विल बेयर ऑल, यू ऑल विल बेयर दैट इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंट पार्टनर. सबसे पहले कोर्ट ये बोलेगा, फिर कोर्ट बोलेगा कि आपका जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है, कोर्ट ने यहां पे दूसरा वर्डिंग दे दिया, सॉल्वेंट पार्टनर अदर देन Wilkin, मतलब यहां पे कौन से सॉल्वेंट, Garner एंड Murray, ये दोनों को रियलाइजेशन का लॉस कैश में लेके आना है. बराबर है? रियलाइजेशन का लॉस कैसे लेके आना है, कैश में लेके आने का. क्यों लेके आने का, कोर्ट ने डिसीजन दिया है कैश में लेके आओ. मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, कि इसका ऐसा भी थिंकिंग हो सकता है कि टू प्रूव देयर सॉल्वेंसी दे नीड टू ब्रिंग दैट कैश, दे आर सॉल्वेंट. ठीक है? ये कैश प्रैक्टिकली हम लोग अपने क्वेश्चन में नहीं लेंगे, या फिर लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा.
कैश ब्रॉट बाय द पार्टनर, ये कंसेप्ट हम लोग लेंगे तो भी चलता है, नहीं लेंगे तो भी चलता है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के बुक में उन्होंने कैश लिया है तो वी विल फॉलो दैट कि कैश विल बी ब्रॉट बाय द सॉल्वेंट पार्टनर फॉर देयर रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल रेशियो जस्ट बिफोर द डिसॉल्यूशन। वापस बोल रहा हूं, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल विल बी शेयर्ड बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल जस्ट बिफोर डिसॉल्यूशन। जस्ट बिफोर डिसॉल्यूशन मतलब क्या, डिसॉल्यूशन से पहले आपका एक बैलेंस शीट बनेगा, उस टाइम पे जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका जो भी कैपिटल रेशियो वो दिखा जाएगा। अभी बचपन में मैंने सीखा था कैपिटल का दो टाइप होता है, एक टाइप होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में वी आर वेरी श्योर कि आपका जो कैपिटल फिक्स है उसी रेशियो में आप लोग क्या शेयर करोगे, इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। इफ योर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या, आपका जो भी एडजस्टमेंट है कौन से अकाउंट में हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में, तो आपका जो भी बैलेंस शीट में कैपिटल है दैट प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट। वापस बोल रहा हूं, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट राइट दैट इज एडजस्टेड, और वो एडजस्ट करके आपका जो रेशियो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो। तो इन शॉर्ट, इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी शेयर्ड बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो कुड बी अ फिक्स्ड कैपिटल रेशियो, एंड इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देन इट विल बी अ लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आफ्टर व्हेन यू एग्री द लास्ट एग्रीड कैपिटल, आप जब देखते हो तो पॉसिबल है कि किसी पार्टनर को डेबिट बैलेंस आ गया, तो रेशियो कुड नॉट बी अ नेगेटिव फिगर, रेशियो कुड नॉट बी अ नेगेटिव फिगर। तो जो पार्टनर को डेबिट बैलेंस आता है या फिर जिसका कैपिटल नेगेटिव जाता है एज अ लास्ट एग्रीड कैपिटल he will not share the deficiency loss of the insolvent partner। ये decision दिया गया, ये एक बहुत ही बड़ा केस था जो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था और उसका ही applicability इंडिया में है, बिकॉज इंडिया में ऐसा कोई भी केस लॉ नहीं हुआ है नंबर वन, और इंडिया में भी अपना पार्टनरशिप एक्ट जो है उसका एक सेक्शन सेक्शन 44 ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट एक्ट के साथ coincide हो रहा है, 48 सेक्शन 48 ऑफ ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट उसके साथ ये कोइंसाइड हो रहा है, मींस वेयर दे आर मेंशन कि कैपिटल लॉसेस विल बी बोर्न इन द कैपिटल रेशियो। तो ये इंसॉल्वेंसी का लॉस नॉर्मल लॉस नहीं है, ये कैपिटल लॉस है दैट विल बी शेयर्ड इन व्हिच रेशियो, कैपिटल रेशियो एज पर द वर्डिंग गिवन बाय द कोर्ट। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग इन अ शॉर्ट वाइज व्हाट इज द वर्डिंग गिवन बाय द कोर्ट। नंबर वन, नॉर्मल लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर टू, मैंने कहा था कि इंसॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग द कैश इक्विवेलेंट टू द रियलाइजेशन लॉस टू प्रूव देयर सॉल्वेंसी। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स डेफिशिएंसी दैट इज अ डेबिट बैलेंस इन द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी बोर्न बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल रेशियो स्टैंडिंग बिफोर द डिसॉल्यूशन। अच्छा, जब मैं व्हेन आई एम सेइंग कैपिटल रेशियो I mean to say that if capitals are fixed, it is fixed capital ratio. If capitals are fluctuating, then it is last agreed capital as per the balance sheet. Last agreed capital का मतलब होता है partners का capital plus reserves minus losses. While doing so, if any partner's capital have a debit balance, he will not share the deficiency loss of the insolvent partner. It is a simple decision, and this is what we are going to follow in our entire solutions. As I mentioned, के ब्रिटिश एक्ट, ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट जो है उसका सेक्शन 44 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 48 सेक्शन के साथ कोइंसाइड करता है। माय वर्ड्स इन माय अर्लियर डिस्कशन आई थिंक मैंने इंटरचेंज किया था सेक्शन, बी केयरफुल। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 48 ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 44 के साथ कोइंसाइड करता है। देयर वहां पे उन्होंने बोला है कि कैपिटल लॉस विल बी शेयर्ड इन व्हिच रेशियो, कैपिटल रेशियो। देयरफॉर इंडिया में भी वही रूल चलता है, मतलब अभी हम लोग ब्रिटिशर का सुनते हैं, अभी भी हम लोग ब्रिटिशर्स का सुनते हैं। उन्होंने जो डिसीजन दिया था वो अभी भी इंडिया में चल रहा है। बिकॉज क्या होता है, देखो मैं प्रैक्टिकली एक बात बोलता हूँ, कोर्ट को सिर्फ आपका झगड़ा मिटाने का काम नहीं होता है। अगर कोर्ट में कोई केस बन गया और वो केस में अगर कोई वर्डिक्ट आ गया, डिसीजन आ गया, वो डिसीजन फाइनल हो जाता है। बाद में कभी ऐसे सेम इशू अगर कोर्ट के सामने आएंगे तो कोर्ट बोलेंगे भाई लोग तुम लोग आना मत कोर्ट में,
तुम लोग को जो डिसीजन पहले वाले एक केस में दिया था वही फॉलो करना है। तो इन द सेम लॉजिक, ऑन द सेम लॉजिक वी विल अप्लाई गार्नर वर्सेस मरे प्रिंसिपल्स इन आवर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। हाउएवर एक बात और बताना चाहता हूं, अगर कभी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो गया तो वी विल शेयर द इंसॉल्वेंसी लॉस इन इक्वल रेशियो, तो पार्टनरशिप डीड ये अपने लिए सुप्रीम लॉ है। पार्टनरशिप डीड में जो भी दिया है वो फॉलो करो, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको गार्नर वर्सेस मरे प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू कीप इन द माइंड, ठीक है। तो अभी इसके रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या हो सकता है, दैट वी विल लर्न इन द मीन टाइम। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वर्डिंग क्या था, रियलाइजेशन लॉस विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। अच्छा, रियलाइजेशन में लॉस ही आएगा, अरे जस्ट इमेजिन यार, पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है, मतलब डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ लॉस। 99.99% केसेस देयर विल बी अ लॉस, ओके। तो पार्टनर्स विल ब्रिंग कैश, पहले तो पार्टनर्स को लॉस शेयर करवा देते हैं, व्हाट वुड बी योर एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा डिसीजन क्या था, सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग द कैश इक्विवेलेंट टू द रियलाइजेशन लॉस। नाउ इमेजिन करो, कैश लेके आ रहे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश ब्रॉट बाय द रिस्पेक्टिव पार्टनर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फाइनल पेमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। कभी कभी देखो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है लेकिन उसके प्रॉपर्टी में से कुछ पैसा अपने को मिल जाता है, आई विल कॉल इट एज अ फाइनल डिविडेंड। तो ये जो भी पैसा मुझे मिलेगा इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के पास से, जो भी मिलेगा ले लो, योर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर यू माइनस दिस फाइनल पेमेंट, द नेट डेफिशिएंसी विल बी शेयर्ड बाय द रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल रेशियो एज वी हैव डिस्कस्ड। तो योर एंट्री विल बी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। याद रखना, सॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल कम होगा और इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। इट इज हाउ यू विल शेयर योर डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है। एंड आफ्टर यू डू दिस एंट्री, योर इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल गेट क्लोज। इन दिस वे योर डिसॉल्यूशन, वेयर वी हैव लर्न्ड कि व्हेन सम पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, ऑल आर नॉट इंसॉल्वेंट, एक या दो इंसॉल्वेंट हुआ है तो उसका डेफिशिएंसी बाकी के पार्टनर शेयर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का, और ये डिस्कशन आपके एग्जाम में दिख सकता है। तो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, यू जस्ट कांट इग्नोर दिस एस्पेक्ट ऑफ डिसॉल्यूशन व्हेन यू आर लर्निंग डिसॉल्यूशन टॉपिक, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए, प्लीज पुट योर कमेंट, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई टू योर कमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस।